और इसी के साथ फतेहाबाद से एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। फतेहाबाद में घग्गर नदी का खौफनाक रूप नजर आ रहा है। पानी कम नहीं हो रहा घग्गर का और लगातार जलस्तर ने बढ़ते हुए लोगों की मुश्किलों में भी इजाफा कर दिया है। फतेहाबाद में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ से जिला मुख्यालय का शहरों से संपर्क टूट गया है। शहरों के बाजार खाली हो गए हैं। फतेहाबाद शहर बचाने के लिए बाईपास के सभी अंडरपास बंद किए गए हैं। बाईपास की सर्विस लाइन के बाद बाईपास की सड़क पर पानी अब पहुंचने लगा है। तस्वीरें फतेहाबाद से देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। शहर की सड़कों पर पानी आ गया है, अंडरपास से पानी गुजरने लगा है। हालांकि अंडरपास को बंद कर दिया गया है, लेकिन अब शहर की सड़कों पर पानी आने लगा है। घग्गर नदी का विकराल रूप अब यहां लोगों को डरा रहा है। हमारे नुमाइंदे जसपाल की एक रिपोर्ट जरा देखिए इस इलाके से। घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे फतेहाबाद के जो शहर के पास लगता बाईपास है, उस बाईपास पर जो है आप देख सकते हैं कि पानी है वो पूरी तरह से टच हो गया है। और नेशनल हाईवे 9 का ये बाईपास है जो कि फतेहाबाद से होकर है, यहाँ से गुजर रहा है। और खास बात यह है कि इसको इस पर पानी आने की वजह से इसको वन वे कर दिया गया है ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। लेकिन प्रशासन भी अपनी कड़ी मशक्कत के साथ जो है लगा हुआ है कि पानी शहर के अंदर न आए ताकि शहर के लोगों को है वो बचाया जा सके। लेकिन अब देखना होगा कि पानी जो है शहर को कितनी देर बाद जो है वो टच करता है, क्योंकि नेशनल हाईवे 9 को है वो वन वे कर दिया गया है। और लगातार पुलिस भी अपना पहरा देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर आ चुके हैं देखने के लिए कि आखिर पानी कितना जो है उसका लेवल कितना है। और आप देख सकते हैं जहाँ भी आपको नज़र आएगी, हम नेशनल हाईवे 9 पर अब खड़े हैं और आपको जहाँ भी नज़र आएगा सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। और समुंदर की तरह पूरा फतेहाबाद ज़िला है वो भर गया है पानी की वजह से। ये बताइए क्या कितना का पानी है इसके अंदर? पानी तो देखो ज़्यादा समुंदरी समुंदर नज़र आ रहे हैं और काफ़ी नुकसान हो रहा है। कुछ नहीं है, किसान है खेत और डाड़ियाँ डूबी पड़ी है, हालात बुरी है। आज समय गुजरना बहुत दूर है किसान के लिए, बहुत बड़ी बड़ी समस्या आ रही है। तो ये नेशनल हाईवे 9 पर पानी आ गया? हाँ, इस पर आ गया, अचटने वाला है। एक रोड एक साइड चल रही है, एक साइड बंद होने लग रही है। और नुकसान तो ना डाड़ियों में काफ़ी है किसान के लिए और के लिए। प्रशासन भी क्या करे इतने पानी ताकत के ऊपर, ये बात। देखिए प्रशासन का भी जो लोग कह रहे हैं कि जोर नहीं है, और हालांकि प्रशासन कड़ी मशक्कत के साथ यहां पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे 9 है जिस पर पूरी तरह से पानी है वो आ गया है और कभी भी शहर को टच कर सकता है। हालांकि जो अंडरपास इस बाईपास के नीचे से जो बनाए गए हैं वो सभी बंद कर दिए गए हैं ताकि शहर के अंदर जो पानी है वो ना आए। लेकिन NDRF की टीम, लोकल प्रशासन और आर्मी की टीमें हैं लोगों को निकालने के लिए लगी हुई है और लोग बाहर जो है उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब जब तक पानी जो है घग्गर नदी का कम नहीं होता, हालात जो के त्यों बने रह सकते हैं। खबरें अभी तक के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह।